सो जब भी हम फोर सेक्टर इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ओपन इकोनॉमी. ओपन इकोनॉमी का मतलब होता है पूरे के पूरे बॉर्डरलेस इकोनॉमी. हम इंटरनेशनल ट्रेड में पार्ट लेते हैं और इसकी वजह से हमारी इकोनॉमी बाउंड्रीलेस हो जाती है. ओके, तो इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल ट्रेड में हम एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब हमारे पास जो भी ज्यादा चीज है हम वो बेचते हैं, एक्सपर्टाइज्ड होते हैं वो बेचने में. हमें बाहर के डॉलर्स मिलते हैं, बाहर का फॉरेन एक्सचेंज मिलता है, और जो भी हमारे पास चीजें नहीं होती है उनको हम इम्पोर्ट कर लेते हैं. जैसे कि इंडिया में बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स बहुत कम बार बनती है, या फिर अच्छे वाले कंप्यूटर्स शायद कम बार बनते हैं. आपके मोबाइल फोन्स दे आर इम्पोर्टेड, मतलब हम कहीं से लाते हैं. रिबॉक जैसे ब्रांड्स, या फिर अदिदास जैसे ब्रांड्स, गुची जैसे पर्स वाले या फिर वैलेट्स वाले ब्रांड्स, ऑल दोज आर कॉल्ड फॉरिन ब्रांड्स बिकॉज हम फॉरिन लैंड से वो चीजें एक्वायर करते हैं. ओके, सो दैट इज कॉल्ड फॉरिन ग्लोबल इकोनॉमी, और ये ट्रेड को बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड. जो भी दो और उससे ज्यादा कंट्रीज के बीच में ट्रेड होता है उसको बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड. आर यू गेटिंग दिस? होपफुली यू विल गेट इट. ओके, तो अब क्या है, जब हम जब हम ओपन इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे हैं, तो ओपन इकोनॉमी हमेशा ही इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे चलती है. तो जब ही ओपन इकोनॉमी की कंडीशन है, तब इनकम को कैलकुलेट करने के लिए आपको ये देखना पड़ता है कि इनकम को कैलकुलेट करने वाला फॉर्मूला पहले जो था, y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, उसके साथ एक ब्रैकेट और एड हो जाता है, दैट इज कॉल्ड इन द ब्रैकेट एक्स माइनस एम, दैट इज एक्सपोर्ट का एक्सपेंडिचर माइनस इनकम का एक्सपेंडिचर, या फिर एक्सपोर्ट का इनकम माइनस इंपोर्ट का एक्सपेंडिचर. तो हम जब इनकम बड़ा है और एक्सपेंडिचर छोटा है ऐसा बोलते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाता है, हमारे पास प्रॉफिट आता है, मतलब ज्यादा पैसे बचते हैं. और अगर ज्यादा पैसे है तो हम उसको बोलते हैं इनकम. और इसीलिए y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी माइनस सॉरी प्लस x माइनस m, दैट इज एक्सपोर्ट माइनस इनकम इंपोर्ट. आर यू गेटिंग इट नाउ ऑल पीपल दोज आर ज्वाइन? होपफुली आपको ये समझ में आ रहा है. ओके, राइट? कैन एनीबडी जस्ट टेल मी इफ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट, एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम? ओके, सो नाउ दैट आई एम वेरी क्लियर अबाउट वॉट इज ओपन इकोनॉमी एंड वॉट इज वॉट, लेट मी शो यू वन वीडियो दैट वी केप्ट इट इनकम्प्लीट. ओके, एबल टू सी माई स्क्रीन? स्क्रीन savings don't just sit in banks. Banks invest in firms by lending to them. Cause firms need money to buy capital equipment or cover other costs of production. So there's investments flowing into the economy. Bravo! Awesome! But this is a little too simplified. So let's add government. Government by... Okay, I guess there must be some internet problem. And so I'll send the link to you so that you can watch the video whole. And aap agar usme kuch problem hai to aap mujhe pooch sakte, okay? Let's stop the meeting for right now. And then we'll continue tomorrow, okay?
So bye. Have a nice day. And buy stuff as well. Bye-bye. So there's money flowing in.